नमस्कार दोस्तों, स्वामिनी चैनल के फेसबुक पेज पर मैं दुर्गेश जाबरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम है भगत सिंह मार्ग चंद्रदाई नगर में, ये पड़ता है रामगंज थाना इसका आता है और जवार की नाड़ी के लिए रास्ता निकलता है और काफ़ी सुनसान मार्ग ये कहलाता है। देखने में भी काफ़ी सुनसान है, सड़कों पर लाइटें नहीं हैं और उसी की देखते हुए आज एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ लोगों ने लूट का शिकार बना लिया, उनको लूटा, उनके साथ मारपीट की, मारपीट करके लगभग लाखों की नकदी उनसे छीन ली और उनके पास जो दो पहिया वाहन उनका था वो भी छीन लिया। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जो है मदद करते हुए जब उनकी पुकार सुनी, जब वो स्थानीय लोग आए और आने के बाद जो है लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। ठीक है, रामगंज थाना क्षेत्र का ये एरिया है। देखिए यह वो बाऊजी है, बुजुर्ग व्यक्ति जिनके साथ लूट की वारदात चंद्रदाई नगर के जवार की नाड़ी जाने वाले रास्ते पर हुई है। आप देख सकते हैं इनके चोटें भी आई है, जो लुटेरे थे उन्होंने इनके साथ मारपीट भी की है जिससे ये काफ़ी जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए स्थानीय लोग भी यहाँ पर जमा है, स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को समय पर सूचना दे दी गई थी, पुलिस आई भी थी। और एक बार मैं आपको रास्ता बता दूं, ये देखिए आपको जिस प्रकार से ये जो काला अंधेरा पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, गाड़ियों की लाइट के कारण जो आपको थोड़ी सी रोशनी दिखाई होगी, बस इसी जगह का ये पूरा मामला है। देखिए पूरा अंधेरा आपको, ये जो पूरा काला एरिया जो दिखाई दे रहा है यही वो रोड है जहाँ पर ये वारदात, लूट की बड़ी वारदात एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हुई है। लगभग लाखों रुपये की लूट बुजुर्ग के साथ हुई है। जो बुजुर्ग के पास दो पहिया वाहन था वो भी लूट के ले गए। यहाँ पर पोल तो लगे हैं लेकिन उन पर लाइटें नहीं है। एक बार जानेंगे क्या पूरा मामला है। भौजी कहाँ से आ रहे थे आप और क्या हुआ? मगरा मंडी से आ रहा हूँ मैं। हाँ, मगरा कमीशन का काम है मेरा, व्यापारी को निपटा करके चार पांच पेटी मेरे पास थी डिग्गी के अंदर, वो गाड़ी भी ले गए और उसमें खाते भाई भी थे, एक चेक था 1 लाख रुपए का और 5 लाख रुपए उसमें थे। नकदी थी 5 लाख रुपए। हाँ, कहाँ से आ रहे थे? बकरा मंडी से। क्या करके आ रहे थे बकरा मंडी से? कमीशन का काम करता हूँ मैं, उसमें व्यापारी को निपटा करके समझे और उनसे वहाँ से घर पे आ रहा था। हाँ, तो गाड़ी कौन सी थी आपके पास में? एक्टिवा गाड़ी थी। हाँ, गाड़ी का नंबर है RJ01SZ 360 0360। फिर क्या हुआ, कहाँ की तरफ जा रहे थे आप? ये अपने सियाराम नगर में गली नंबर 8 में रहता हूँ मैं। अच्छा, कहाँ वही जा रहे थे आप? हाँ, कहाँ पर वारदात हुई आपके साथ? वारदात ये रस्ते है ना, ये कौन सा रास्ता चले? जवार की नाड़ी भगत सिंह का रोड है ना ये, इसमें हुआ था। कितने बजे करीब की बात है? 7:10 पे अंधेरा हो चुका था। अंधेरा कितने लोग थे? 2 रहते बाइक पे थे। तो क्या मारपीट करी आपके साथ? मारपीट भी करी और गाड़ी छीन करके और ले गए। तो गाड़ी में आपके पैसे वगैरह थे? हाँ, डिग्गी के अंदर थे और खाते भाई भी थे उसमें, और 1 लाख का चेक भी था। आपका नाम बताया? मेरा नाम रतन लाल जी। कहाँ के रहने वाले आप? वैसे तो यहाँ जवार की नाड़ी में रहता हूँ मैं, सियाराम नगर गली नंबर 8 के पास। ठीक है, क्या नाम बताया एक बार वापस? रतन लाल जी। ठीक है, रतन लाल जी है, सियाराम नगर में ये रहते हैं और ये जो लूट की वारदात इनके साथ हुई है। भैया एक बार पूरा मामला बता दें, किस तरह की ये वारदात जो है आपके यहाँ पे और किस तरह का माहौल यहाँ बना रहता है? भैया ये रतन लाल जी हैं, लगभग 75 वर्ष इनकी उम्र है। बकरा मंडी में इनके बकरों का कमीशन का काम है, बुजुर्ग आदमी है ये, इनके घर जाने का रास्ता है, ये नियमित इसी टाइम लगभग जाते होंगे। आज दो युवक जैसा प्रतीत हो रहा है वो इनके वहीं से पीछे लगे हुए हैं बकरा मंडी से, और इस HMT ग्राउंड के पास में सुनसान रास्ता देखकर, ये शहीद भगत सिंह मार्ग है, केवल नाम का शहीद भगत सिंह है, यह अंधेरे का आलम है। ये यहाँ पर दूसरी बड़ी वारदात हुई है, पहले भी एक झूठी वारदात हो चुकी थी 35 लाख की। ये बाबूजी इनकी एक्टिवा सहित गनीमत रही कि ये बुजुर्ग आदमी, इनको कहीं गंभीर चोट नहीं आई। जो भी जिनके अपराधी थे, यदि उनके पास कोई धारदार हथियार होता या कुछ होता तो बाबूजी को गंभीर हानि हो सकती थी, नुकसान हो सकता था। इनके एक्टिवा में लगभग 1 लाख रुपये का चेक है और 4-5 लाख रुपये नकद है, वो लेके चले गए। इससे यहाँ के क्षेत्रवासियों में काफ़ी रोष है और सबसे बड़ा जो
दुख का विषय है कि शहीद भगत सिंह मार्ग होने के बाद भी यहाँ की लाइटें चालू नहीं है। इस लाइट के चक्कर में पूर्व में भी जो हमारे JN है, AN है, उन सबको अवगत करा चुके हैं, लेकिन फिर भी अंधेरे का आलम है। जिससे ये वारदात हुई है, आप सोचिए कि इससे भी बड़ी वारदात हो सकती थी। पैसों के अलावा अगर बाबूजी के एक पांव से विकलांग भी है, यदि कोई बड़ी वारदात होती उसका कौन जिम्मेदार होता? भैया किस तरह की वारदात हुई है, क्या स्थान, कैसी स्थिति बनी हुई इस रोड की? अब स्थिति तो बिल्कुल अंधेरे का पांव नहीं है, बिल्कुल यह लूट आए दिन छोटी मोटी तो होती रहती है, बहुत बड़ी लूट हुई है। इसके अंदर बाबूजी के साथ घटना हुई है, बाबूजी की लगी भी बहुत ज्यादा है। बाबूजी एक पांव से अपंग है, बुजुर्ग आदमी थे, हम तो यहीं रहते हैं, तो बाबूजी बेचारे गिरते गिरते आए, हम यहाँ से गए, लेकिन वो क्या चोरों ने अंधेरे का आलम उठाते भागे यहाँ से। पुलिस आ गई थी? हाँ, पुलिस को तो इन्फॉर्मेशन दिया है, 3-4 पुलिस वाले आए थे। क्या नाम है? मेरा सुरेश गुजर। देखिए सुरेश गुजर भी है, सागर मीणा जी है और यहीं के ये नागरिक है। जानकारी पूरी दी है, क्या पूरा मामला हुआ है ये पूरा इन्होंने बताया है, किस तरह का ये मामला है। देखिए रतन जी है जिनके साथ ये लूट की वारदात हुई है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, जो सड़क जो रोड आपको दिख रहा है पूरा अंधेरे से तरबतर ये अंधेरे से हो रखा है। यहाँ पर पोल लगे हैं लेकिन उन पर लाइटें नहीं लगी है, लाइटें लगी है तो जलती नहीं है। दोस्तों ऐसी वारदात यहाँ चंद्रवरदाई में पहले भी